अब हम आते हैं अपने केस थ्री की तरफ, डेट इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। मीन्स टेस्टिंग हाइपोथेसिस में अगर हमारे पास पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो लेकिन सैंपल साइज लार्ज हो, देन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार अप्रोचेस टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन दिस केस द रेंडम वेरिएबल जेड विल बी एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट इन केस व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो देन वी विल यूज इंस्टेड ऑफ सिग्मा एस, एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल। बाकी सारा प्रोसीजर और स्टेप्स वही होंगे जो हम पहले फॉलो करते आए हैं। आइए इस केस की भी हम एक एग्जांपल करते हैं। अ सैंपल ऑफ साइज 40 फ्रॉम अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन यील्डेड द सैंपल मीन व्हिच इज इक्वल टू 71 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 200। टेस्ट एच नॉट इन व्हिच म्यू इज इक्वल टू 72 एंड इट्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी mu is not equal to 72 by using the 1% level of significance। पहले स्टेप में बिल्कुल इसी तरीके से हम null and alternative hypothesis state करेंगे। which is given। हमने क्या टेस्ट करना है? mean is equal to 72 and its alternative hypothesis is mean is not equal to 72. This is two tail test. Alpha हमारे पास क्या है? 1% which is equal to 0.01. और test statistics हमारे पास क्या है? Z is equal to x bar minus mu naught as सिग्मा इज नॉट गिवन तो इट इज रिप्लेस्ड बाय एस अंडर एच नॉट वेयर जेड इज अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे। और चूंकि ये टू टेल टेस्ट है तो अल्फा इज डिवाइडेड बाय टू, तो 0.01 को जब टू से डिवाइड किया तो विच इज इक्वल टू 0.05। अब इसकी टेबल वैल्यू जब हमने देखी तो हमारे पास आ गई 2.58 और क्रिटिकल रीजन क्या बन गया? ये जीरो आ गया जेड एक्सिस और जेड एब्सोल्यूट, यानी कि टू टेल टेस्ट में हम दोनों साइड पे वैल्यू लेंगे। यहां इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई जेड की, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। ये हमारा क्रिटिकल रीजन है नेगेटिव वैल्यू के साथ और ये हमारा क्रिटिकल रीजन आ गया विद पॉजिटिव वैल्यू। फिफ्थ स्टेप में हम कंप्यूटेशन करेंगे, जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स बार हमारे पास गिवन है 71 और म्यू नॉट 72, 200 स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें एस चाहिए। ये आ गया 40, एन हमारे पास कितना है 40 स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया -1 2.236 विच इज इक्वल टू -0.45। अब क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या था? -2.58 और z की वैल्यू क्या आई है? -0.45। यहां करके है हमारे पास कोई -0.45, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी फॉल कर रही है वो किसमें फॉल कर रही है?
एक्सेप्टेंस रीजन में। सो वी कंक्लूड दैट एज द कैलकुलेटेड वैल्यू z is equal to minus 0.45 does not fall in the critical region, so we will not reject H naught. अब हम आते हैं अपने केस 4 की तरफ, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स दैट इज म्यू 1 माइनस म्यू 2 व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉन। अब तक जो हमने केसेस किए वो एक सिंगल मीन की टेस्टिंग के लिए किए थे फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन। अब हम आते हैं जब हमारे पे दो पॉपुलेशन हो तो उनका डिफरेंस ऑफ मीन को किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा। फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस ऑफ मीन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, में उसी तरीके से हम स्टेट करेंगे नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि हमारे पास होगा म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू से दिस इज डेल्टा नॉट, और इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास होगा म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू, और इसके वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा, लेस देन सम स्पेसिफिक वैल्यू। थर्ड केस में म्यू वन माइनस म्यू टू यानी कि डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स इज लेस देन एंड इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू, और इसके वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बनेगा, म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक वैल्यू। सेकेंड स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से अल्फा को हम चूज करेंगे। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करना होगा जो के डिफरेंस ऑफ मीन में हम यूज करेंगे एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस सम स्पेसिफिक वैल्यू जो कि हम टेस्ट कर रहे होंगे अगेंस्ट डिफरेंस ऑफ मीन एंड डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन सैंपल ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन वेरियंस ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन अंडर एच नॉट व्हेन पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली नॉर्मल। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नॉर्मल। फोर्थ में क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे जो कि ऑल्टरनेटिव की डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा होगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हम पहले करते आए हैं। फिफ्थ में कंप्यूटेशन, सिक्स में कंक्लूजन। आइए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ सैंपल ऑफ साइज 6 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरियंस 24 गेव मीन 15 एंड सैंपल ऑफ 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरियंस 80 गेव मीन 13। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिफरेंस ऑफ मीन इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट डिफरेंस ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू 0 एट द लेवल ऑफ 0.05। पहले स्टेप में हम उसी तरीके से नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारे पास है मीन 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स के दोनों पॉपुलेशन के जो मीन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, और इसका ऑल्टरनेटिव है कि देर इज सम डिफरेंस। तो ये हमारे पास आ गया टू टेल टेस्ट। अल्फा हमारे पास 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वायर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर एन टू।
फोर्थ में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे विच इज डिपेंडेड ऑन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि टू टेल टेस्ट है, तो ये आ जाएगा जेड एल्फा बाय टू, तो जेड एल्फा बाय टू 0.025 और ये वैल्यू आ गई 1.96। अगर इसको यहाँ ड्रॉ कर लें क्योंकि टू टेल है तो दोनों टेल पे ये क्रिटिकल रीजन फॉल करेगा नेगेटिव साइड पे नेगेटिव वैल्यू के साथ, ये इसका क्रिटिकल रीजन है, और पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ ये इसका क्रिटिकल रीजन है विद जीरो मीन, दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड की वैल्यूज है। अच्छा अब फिफ्थ स्टेप में हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या आती है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन वन हमारे पास क्या है 15, मीन टू क्या है 13, म्यू नोट ये वैल्यू जीरो है हमारे पास तो ये जीरो आ गया, सिग्मा वन हमारे पास क्या है 24 और एन वन क्या है 6, सिग्मा टू स्केयर क्या है हमारे पास 80 और एन टू क्या है 8। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3.74 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.53, यानी कि ये वैल्यू आ गई 0.53। अब ये वैल्यू यहां कहीं फॉल करती है इससे पीछे पीछे, क्योंकि इससे आगे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, जीरो के आसपास यहां कहीं वैल्यू ये फॉल कर रही है विच इज 0.53 एंड दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन। तो वैल्यू हमारी फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, एज द कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज 0.53 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब ये है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन के मीन्स इक्वल है, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास दो सैंपल्स हैं, एक ए सैंपल है और एक बी सैंपल है, एक सैंपल ये कैलकुलेट किया गया है और एक सैंपल ये है हमारे पास, और इन दोनों सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास कितनी है 2.5, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। नाउ वी हैव टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पहले स्टेप में उसी तरीके से नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम स्टेट करेंगे, जो कि है मीन ऑफ सैंपल ए इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल बी, और ऑल्टरनेटिव हम कहते हैं कि मीन ऑफ सैंपल ए इज नॉट इक्वल टू सैंपल बी। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि दोनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इसको इधर लेके जाएं तो इसका मतलब भी यही होता है। दोनों तरीकों से आप हाइपोथेसिस को स्टेट कर सकते हैं। दिस इज अगेन टू टेल टेस्ट, सेकंड में हमारे पास है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05, थर्ड स्टेप में जेड स्टेटिस्टिक्स विच इज इक्वल टू मीन ऑफ ए माइनस मीन ऑफ बी डिवाइडेड बाय, दोनों का डिफरेंस तो इधर अगर हम लिखें तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस डेल्टा नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हम यहाँ इसको मेंशन नहीं करते, क्योंकि दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर रह जाएगा एन वन प्लस एन टू अंडर एच नॉट विच हैज एग्जैक्टली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं, अगेन इस इज टू टेल टेस्ट, ये आ गया अल्फा बाय टू विच इज इक्वल टू 0.025 और ये वैल्यू आ गई 1.96। अगर इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास बनता है 1.96, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ माइनस में हम ले लेंगे, दिस इज क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन
फिफ्थ में हम कंप्यूटेशन करते हैं, क्योंकि सैंपल मेन कैलकुलेट नहीं किए गए तो हम पहले सैंपल मेन कैलकुलेट करेंगे, विच इज समेशन एक्स ए एन वन हो जाएगा, और ये कैसे कैलकुलेट होगा, समेशन ऑफ एक्स टू एन टू। अब इन सारी वैल्यूज को हमने एड अप किया तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स ए आ जाएगा, और इस जगह क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स बी। और कितनी वैल्यूज है दोनों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज है, यानी कि एन वन इज इक्वल टू एन टू 10, यानी सैंपल साइज दोनों का सेम है। समेशन एक्स कैलकुलेट करके इसको एन से अगर डिवाइड किया तो मीन हमारे पास आ जाता है 2.121.7, और मीन 2 हमारे पास आ जाता है 24.3। इसको z में सब्सिट्यूट किया तो वैल्यूज हमारे पास आ गई 21.7 माइनस 24.3। स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि कॉमन था तो 2.5, ये आ गया 1/10 प्लस 1/10। इसको फर्दर सॉल्व किया तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 1.118 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2.33। अब देखते हैं ये वैल्यू कहाँ फॉल करती है, ये वैल्यू यहाँ कहीं आगे फॉल कर रही है, इसका मतलब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, एस कैलकुलेटेड वैल्यू डेट इज जी इज इक्वल टू माइनस 2.33 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। सो वी कैन से डेट देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। केस नंबर 5, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर अननोन। When independent random samples of sizes n1 n2 are drawn from a normal population with known means mu1 and minus mu2, यानी टू samples हम draw करते हैं n1 and n2 और उसके जो means है दोनों populations के, population 1, population 2, इनके means जो है वो हमारे पास known हो दोनों के, बट द स्टैंडर्ड डेविएशन आर अननोन। दोनों पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम नहीं है, सिग्मा 1 इज अननोन, सिग्मा 2 इज अननोन। इन दिस केस वी विल यूज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इन प्लेस ऑफ सिग्मा दैट इज S1 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S2 इन प्लेस ऑफ सिग्मा 2। और ये किस केस में होगा, वेन वी हैव लार्ज सैंपल साइज दैट इज N1 N2 ग्रेटर देन 30। In case large sample size, and we can assume that the sampling distribution of x bar minus x2, that is x bar minus x2 की जो sampling distribution है वो approach कर जाएगी standard normal distribution को with mu1 minus mu2 और standard deviation sigma 1 square divided by n plus sigma 2 square divided by n2। और इस केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा, डेट इज एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर N1 प्लस S2 स्क्वायर N2। आइए इस केस के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। A sample of heights of 6400 Englishmen have a mean of 67.85 inches and standard deviation of 2.56 inches, while a sample of heights of 1600 Australians have a mean of 68.5 inches and standard deviation
2.52 inches. Do the data indicate that Australians are on the average taller than Englishmen by using level of significance 0.05. पहले स्टेप में हम उसी तरीके से null and alternative hypothesis state करेंगे. जो sample 1 है उसका mean mu 1 आप कह लें और sample 2 जो है उसका mean mu 2 कह लें. Sample 1 का जो mean है ये हमारे पास किसका है? Englishman. इसका mu mu 1 हो गया. और sample 2 जो है वो किसका दिया हुआ है, उसमें किसकी height given है? Australians की. ये mu 2 हो गया. और इसमें हमने क्या test करना है कि Australians are on the average taller than English. यानी कि Australian की जो average है हम कह लें कि greater than mu 1 है. ये चीज हमने टेस्ट करनी है और ये किस में आएगी? H1 में. और H नोट जो होगा इसका ऑपोजिट बनेगा. या H1 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एवरेज हाइट जो इंग्लिश मैन की है वो लेस देन है ऑस्ट्रेलियन से ऑन द एवरेज. इस चीज को टेस्ट करना है. दोनों तरीकों से आप हाइपोथेसिस H1 बना सकते हैं. अगर हम लेते हैं कि म्यू 1 जो है वो लेस देन म्यू 2 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका ऑपोजिट म्यू 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू म्यू 2. या सिंपल हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं. और ये अगेन हमारे पास क्या है? वन टेल टेस्ट. दूसरा अल्फा हमारे पास गिवन है, इसको हमने किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है? दैट इज 0.05. थर्ड स्टेप में स्टैटिस्टिक्स हम कौन सा यूज करेंगे फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स? दैट इज एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2. ये वैसे भी जीरो ही होगा क्योंकि अगर इधर से आप म्यू 1 माइनस म्यू 2 की वैल्यू निकालें दैट इज इक्वल टू जीरो. आप इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है. और एस 1 स्केयर डिवाइडेड बाय एन 1 प्लस एस 2 स्केयर डिवाइडेड बाय एन 2 अंडर एच नॉट वे जेड इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. अब इसको जेड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 2.56 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, इसका स्केयर ले लेंगे. एन 1 हमारे पास क्या था? 6400. सिमिलरली 2.52 फॉर द सेकेंड सैंपल फॉर द ऑस्ट्रेलियन एंड 1600. डिफरेंस ऑफ मीन इज गिवन जीरो क्योंकि इस हाइपोथेसिस से हम कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज हाइट अमंग ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश मैन. इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -0.7 डिवाइडेड बाय 0.0706. और फाइनली ये वैल्यू हमारे पास आ गई -9.92. फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बना लेते हैं जो कि डिपेंड करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज लेस देन फॉर्म. सो जेड विल बी लेस देन माइनस जेड अल्फा एंड इट वुड बी -1.645. ये z एक्सिस 0 और ये वैल्यू नेगेटिव है तो यहां कहीं करके हम कहते हैं कि ये -1.645 है. इससे लेस देन का जो एरिया है डेट इज क्रिटिकल रीजन. और जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो इससे आगे ही कहीं फॉल कर रही है, इस मीन क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं एज कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज जेड इक्वल टू -9.92 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन. सो वी रिजेक्ट एच नॉट. एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? इस चीज को हमने रिजेक्ट किया है जो कि इंटरप्रेट करता है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज हाइट ऑफ इंग्लिश मैन एंड ऑस्ट्रेलियन मैन. हमने जब इसको रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट ऑस्ट्रेलियंस आर टॉलर देन इंग्लिश मैन. सो वी कंक्लूड दैट ऑस्ट्रेलियंस
आर टॉलर देन इंग्लिश मैन. आइए एक और एग्जांपल करते हैं. अ पोटेंशियल बायर ऑफ लाइट बल्ब्स बॉट 50 बल्ब्स ऑफ ईच ऑफ टू ब्रांड्स. हमारे पास टू ब्रांड्स हैं और दोनों ब्रांड के 50-50 बल्ब्स सैंपल के तौर पर लिए गए हैं. अपॉन टेस्टिंग द बल्ब्स ही फाउंड दैट ब्रांड ए जो है उसका मेन लाइफ कितनी है 1282 आवर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन 80 आवर्स. वेयर एज ब्रांड बी हैड अ मीन लाइफ ऑफ 1208 आवर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 94 आवर्स. कैन द बायर बी क्वाइट सर्टन दैट टू ब्रांड्स डू डिफर इन क्वालिटी. हमने क्या टेस्ट करना है कि इन दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस है ब्रांड ए और ब्रांड बी की या नहीं. फर्स्ट केस में हाइपोथेसिस स्टेट कर लिए. हम कहते हैं ऑन द एवरेज दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस. और ऑल्टरनेटिव कि हम कह रहे हैं कि नहीं, इनके ऑन द एवरेज ये तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, कि इसका मतलब है कि देयर इज डिफरेंस. क्वालिटी ऑफ टू ब्रांड्स. आप इसको ब्रांड ए और बी भी कर सकते हैं, इसको ए और बी कर लेते हैं. ये ब्रांड ए का मीन, ये ब्रांड बी का मीन. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था हमारे पास 0.05. क्योंकि अगर किसी एग्जांपल में अल्फा ना गिवन हो तो जो स्टैंडर्ड अल्फा है वो 5% लिया जाता है. जेड स्टैटिस्टिक्स मीन ए माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस ए स्क्वायर एन वन प्लस एस बी स्क्वायर एन टू अंडर एच नॉट वेयर डी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. फोर्थ में क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो ये होगा क्रिटिकल रीजन जेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जेड अल्फा बाय टू. तो ये आ गया 1.96. इधर इसको ड्रॉ किया, दोनों साइड पे ये करेगा फॉल, एक दफा पॉजिटिव के साथ एक दफा नेगेटिव के साथ. अब ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ गई Z 1282 माइनस 1208 डिवाइडेड बाय 80 का स्क्वायर एंड 50. चूंकि सैंपल दोनों का हमने 50 का लिया है तो यहां भी 50 आ गया. इसको सॉल्व किया फर्दर, 74 डिवाइडेड बाय 128 प्लस 176.2 एंड विच इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाय 17.46 एंड फाइनली इट इज इक्वल टू 4.24. अब ये वैल्यू जो है क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है. ये देखें इससे बड़ी वैल्यू है, इससे आगे की वैल्यू है. प्लस में अगर देखें 1.6 से ये वैल्यू यहाँ कहीं फॉल कर रही है आगे करके. तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, एस कैलकुलेटेड वैल्यू Z इज इक्वल टू 4.24 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू ब्रांड्स. ए एंड बी. आइए अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 6, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स That is mu1 minus mu2 when both populations are non-normal and sample size is large. दोनों population जहां से sample draw किया गया है दोनों की दोनों non-normal हो लेकिन उनका sample size large हो, तो इस case में by using central limit theorem the sampling distribution of difference approaches to normal distribution with mu1 minus mu2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन स्क्वायर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर एन टू इन केस व्हेन इट इज नोन. और अगर अननोन है तो ये आ जाएगा एस वन स्क्वायर एन वन प्लस एस टू स्क्वायर एन टू.
यानी कि अगर हमारे पास दोनों पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है लेकिन सैंपल साइजेस लार्ज है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिफरेंस ऑफ मीन के लिए भी अप्लाई होगा। सो बाय यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन 1 माइनस मीन 2 अप्रोचेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिस और दिस। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 80 लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए हैड एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 1258 आवर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन 94 आवर्स वाइल रैंडम सैंपल ऑफ 60 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी हैड एन एवरेज 1029 आवर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन 68 आवर्स बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बल्ब्स फ्रॉम कंपनी ए वी आर इंक्लाइन टू बाय फ्रॉम कंपनी बी अनलेस द बल्ब फ्रॉम कंपनी ए विल लास्ट ओवर 200 आवर्स लॉन्गर ऑन एवरेज देन दोज फ्रॉम कंपनी बी रन अ टेस्ट यूजिंग 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू डिटरमिन फ्रॉम होम वी शुड बाय आर बल्ब्स। और हमारा क्लेम क्या है? Because of high cost of bulb from company A, we are inclined to buy from company B. और किस कंडीशन में? Unless the bulb from company A will last over 200 hours longer on average than those from company B. Means, अगर company A का जो bulb है, on the average, company B से 200 hours ज्यादा चल जाता है, तो हम प्रेफर करेंगे बल्ब खरीदना फ्रॉम द कंपनी ए। बेशक उसकी कीमत ज्यादा है लेकिन अगर वो कंपनी बी से 200 आवर्स ज्यादा चलता है तो इट इज प्रेफर्ड टू बाय फ्रॉम कंपनी ए। अदरवाइज फ्रॉम कंपनी बी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो क्लेम है ये किसके अंडर आएगा? ऑल्टरनेटिव के। आइए आगे इसको स्टेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से वी विल स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H1 हमारे पास क्या था? 200 आवर्स। और ये इसका ऑपोजिट होगा तो लेस देन 200 आवर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन लाइफ टाइम ऑफ बल्ब ए एंड बी जिसकी वजह से हम कंपनी ए से बल्ब खरीदना प्रेफर करेंगे। और नल हाइपोथेसिस इसका उलट होगा। देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आप आगे आप स्टेट कर लें खुद। देर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन लाइफ टाइम ऑफ बल्ब ए एंड बी एंड वी विल प्रेफर हेयर टू बाय फ्रॉम कंपनी बी। सेकेंड में हम अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं डेट इज गिवन 0.01। थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक्स स्टेट करते हैं। That is z equal to x bar 1 minus x bar 2, mu 1 minus mu 2, s a square n 1 plus s b square n 2 under h naught which is approximately standard normal variable। फोर्थ में कंप्यूटेशन कर लेते हैं।
और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, एन वन है 80, तो एन टू क्या है 60, एक्स बार वन हमारे पास है 1258 और एक्स बार टू क्या है 1029। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द कंपनी ए इज इक्वल टू 94 एंड फ्रॉम द कंपनी बी इज 68। आप इस तरह भी आप ए लिख ए और बी कर लें। सब्सिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डेट इज 1258 माइनस 1029 और डिफरेंस ऑफ मीन हमारे पास गिवन है 200। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्केयर ले लिया और एन वन हमारे पास 80 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्केयर लिया और एन टू हमारे पास 60 आ गया। इसको फर्दर एलेबोरेट किया तो ये आ गया 29.13.44 एंड विच इज इक्वल टू 2.16। ये आ गई जेड की वैल्यू। फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं एंड क्रिटिकल रीजन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास ग्रेटर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 0.01। टेबल वैल्यू क्या आ गई इसकी 2.58। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है कि नहीं। 2.58 जो है वो यहाँ कहीं फॉल करता है, इसका सारा एरिया जो आगे का है वो क्या होगा रिजेक्शन रीजन और बाकी सारा ये एरिया कौन सा हो जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। कैलकुलेटेड वैल्यू दैट की हमारे पास क्या आई थी 2.16, वो यहां पीछे कहीं करके लाई कर रही है यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं एज कैलकुलेटेड वैल्यू जेड इक्वल टू 2.16 डू नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी हैव नॉट एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट। तो इसका क्या मतलब है देर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ कंपनी ए बल्ब एंड कंपनी बीज बल्ब। सो वी विल प्रेफर टू बाय बल्ब फ्रॉम द कंपनी बी। केस नंबर 7, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। सपोज पी हैट विच इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एन बी द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। ये क्या है डेट इज प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन अ सैंपल ऑफ साइज एन। ये साइज है सैंपल का ड्रॉन फ्रॉम द बाइनोमियल पॉपुलेशन। प्रोपोर्शन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है डेट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
and that is population parameter, population proportion. And if sample size is large, then p hat, which is equal to x over n, will be approximately normally distributed with mean p and standard deviation p q over n. And we know that q is equal to 1 minus p, and the variable z will be p hat minus p. Or agar yahan p hat ki value substitute kare to z variable, to is tarike se bhi likha ja sakta hai. इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया x माइनस एन पी, और n नीचे आ गया पी क्यू ओवर ये n. तो z को आप इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें. एंड सपोज वी विश टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p हैज अ स्पेसिफाइड वैल्यू दैट इज p नोट. मतलब अगर हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है उसमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है दैट इज इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू से दैट इज पी नॉट. इन दिस केस जेड विल बी इक्वल टू पी हैट माइनस पी नॉट एंड पी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एन, या इसको आप लिख लें एक्स माइनस एन पी नॉट एन पी नॉट क्यू नॉट. अब हम देखते हैं इसको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा. पहला स्टेप तो उसी तरीके से स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सेकंड में अल्फा की वैल्यू डिफाइन करनी है. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो कौन सा यूज होना है, दैट इज z which is equal to x minus n p naught divided by n p naught q naught. अच्छा इसमें दो केसेस हैं, एक तो होगा विदाउट कॉन्टिन्यूटी, यानी कि अगर p naught की जो वैल्यू है फार फ्रॉम द 0.5 तो हम ये स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे. लेकिन अगर 0.5 के आसपास अगर p नोट की वैल्यू है तो हम विद कॉन्टिन्यूटी स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे, और अगर 0.5 से दूर वैल्यू है, डेविएट कर रही है 0.5 से p नोट की वैल्यू, तो हम ये स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे विदाउट कॉन्टिन्यूटी. अब जहां ये सवाल पैदा होता है कि x की वैल्यू प्लस 1/2 कब होगी और x माइनस 1/2 कब होगा. अगर x जो हम ले रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है अगर वो ग्रेटर देन एन पी नोट हो तो इट्स मीन हम यूज करेंगे एक्स माइनस 1/2. एंड इफ एक्स जो है वो लेस देन एन पी नोट है तो हम यूज करेंगे एक्स प्लस 1/2. आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट्स फ्रॉम द फ्लोर. If on the next 100 shots he makes 70 baskets, would you say that his shooting has improved at the level of significant 0.05? हमने क्या चीज टेस्ट करनी है? Would you say that his shooting has improved? Proportion क्या है? हमारे पास p नोट 0.6 जो है वो shots बनाता है. Shots कब improve होते हैं? जब ये जो greater than 0.6 अगर shots बनाता है तो हमारा हाइपोथेसिस आ जाएगा p इज ग्रेटर देन 0.6. और इसका ऑपोजिट हाइपोथेसिस क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0.6, यानी 0.6 के बराबर बना लेता है या 0.6 से कम बनाता है तो हम कहेंगे इसकी शूटिंग जो है इंप्रूव नहीं हुई. सेकंड अल्फा हमारे पास क्या है? 0.05. थर्ड केस क्या है? जेड स्टेटिस्टिक. अब ये देखें हमारी जो पी नोट की जो वैल्यू है वो 0.5 के पास है, तो हमने क्या कहा था? अगर पी नोट जो है 0.5 के पास होगा तो हम विद कॉन्टिन्यूटी स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे. तो ये दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी नोट, और ये आ गया एन पी नोट क्यू नोट अंडर एच नोट वेयर जेड इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. अब तो ये पॉइंट है कि यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा. उसके लिए हमने क्या बताया था आपको? अगर एक्स जो है ग्रेटर देन एन पी नोट है तो हम
एक्स माइनस वन बाय टू यूज करेंगे। एक्स हमारे पास क्या है, नहीं, इफ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉर्ट्स, यानी कि ये हमारे पास एन है टोटल सैंपल और इसमें 70 शॉर्ट्स वो बनाता है, ये हमारे पास एक्स है, एन हमारे पास 100 है, पी नोट 0.6 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये बन गया 60 और x कितना है 70। ये क्या है, ग्रेटर देन 60। हमने कहा था जब ग्रेटर देन 60 हो तो हम यूज करेंगे x माइनस वन बाय टू, तो ये स्टेटिस्टिक्स क्या बन गया, x माइनस वन बाय टू माइनस एन पी नॉट, एन पी नॉट क्यू नॉट, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं यहां पे, ये 70 आ गया, x हमारे पास 70 था, माइनस 0.5, 1 बाय 2 जो है वो 0.5 हो गया, माइनस एन पी नोट हमारे पास कितना आ गया, ये हमने यहां पे कैलकुलेट किया, डेट इज 60। इसी तरीके से एन 100, पी नोट 0.6 और क्यू 1 माइनस पी नोट किया तो आ गया 0.4। इस सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.94। फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं, which depend on alternative hypothesis which is greater than direction, so it would be z 0.05 and it would be 1.645। इसको draw किया तो ये positive side पे है हमारे पास, तो हम कह लेते हैं कि यहाँ 1.645 है, इससे आगे की value जो है वो हमारे पास critical region है। कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज जेड इज इक्वल टू 1.94 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट विच इंप्लाइज ही हैज इंप्रूव्ड द शूटिंग। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 900 टाइम्स एंड हेड अपीयर्स 490। अब यहाँ पे एन क्या है, ये, और जो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो आ रही है, हेड अपीयर कितना हो रहा है 490 टाइम्स, ये एक्स आ गया। डज द रिजल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। पहले स्टेप में उसी तरीके से हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, हमने टेस्ट करना है कि कॉइन अनबायस्ड है कि नहीं, क्योंकि एक कॉइन में टू फेसेस होती हैं, हेड और टेल, यानी कि हर एक के आने के चांसेस दो में से एक है, यानी 1/2 हर एक के चांसेस है आने के। अगर तो 1/2 है तो हम कहेंगे कॉइन इज अनबायस्ड, यानी कि फेयर है। हेड और टेल दोनों के आने के अगर 50% चांसेस नहीं बनते तो हम कहेंगे कॉइन इज बायस्ड। सेकेंड में उसी तरीके से अल्फा की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली। थर्ड में हम जेड स्टेटिस्टिक्स डिफाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए 1/2 क्या था 0.5, और हमने कहा था 0.5 के आसपास जब वैल्यू होगी तो हम विद कॉन्टिन्यूटी जेड स्टेटिस्टिक्स यूज करेंगे। अगेन एक्स हमारे पास क्या है 490, एन क्या है 900, एन पी नोट क्या आ जाता है 900 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बन गया 450। अब एक्स हमारे पास है ग्रेटर देन एन पी नोट, और जब एक्स ग्रेटर देन एन पी नोट हो तो हम एक्स माइनस 1/2 एन पी नोट यूज करेंगे। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। x क्या है 490 माइनस 0.5 एज 1/2 इज इक्वल टू 0.5, एन पी नोट आ गया था 450, 900, 1/2, पी नोट क्यू नोट, 1 माइनस पी नोट किया तो ये भी 1/2 आ गया, एज पी नोट हमारे पास है 1/2, तो क्यू नोट क्या हो जाएगा 1 माइनस पी नोट,
और इसमें 1 माइनस 1 बाय 2 किया तो ये भी 1 बाय 2 ही होता है। अच्छा जी, इसको सॉल्व किया z को तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, 2.63। अब क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, z अल्फा बाय 2 तो ये दोनों साइड पे फॉल करेगा, एक नेगेटिव वैल्यू के साथ एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ये 1 माइनस 96, ये 1.96 क्रिटिकल रीजन बन गया हमारा, और z की वैल्यू 2.63 आगे ही कहीं जाके लाई करती है क्रिटिकल रीजन में। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं, एज z इज इक्वल टू 2.63 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। तो इसका मतलब है कॉइन इज बायस्ड, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी हैव नॉट एनफ एविडेंस टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट कॉइन इज अनबायस्ड। अब हम आते हैं अपने केस 8 की तरफ, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस एंड सपोज वी विश टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस इज इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू, या ये कि दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस जो है वो इक्वल हैं। इन दिस केस हम कहते हैं कि P1 हैट जो है प्रोपोर्शन है फ्रॉम द फर्स्ट पॉपुलेशन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बायनोमियल पॉपुलेशन ऑफ साइज N1 एंड P2 हैट प्रोपोर्शन फ्रॉम द सेकेंड पॉपुलेशन ड्रॉन फ्रॉम द बायनोमियल पॉपुलेशन अगेन विथ सैंपल साइज N2, देन डिफरेंस बिटवीन P1 हैट माइनस P2 फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ लार्ज N विद मीन P1 माइनस P2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन P1 Q1 प्लस P2 Q2 N2 वेयर z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P0 सम स्पेसिफाइड वैल्यू डिवाइडेड बाय P1 Q1 N1 प्लस P2 Q2 N2 इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। जब इसको टेस्ट करना होगा तो हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, पहले में सेम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो स्टेट करेंगे, सेकंड में अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर ली, थर्ड में जेड स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कर लिया विच इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस सम स्पेसिफाइड वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय PC QC हैट 1/N1 प्लस 1/N2। अब ये क्या है हमारे पास PC, PC इज इक्वल टू N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और PC क्या है, दैट इज एन एस्टिमेट ऑफ कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और QC किस तरह आएगा हमारे पास, 1 माइनस PC है। फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन और फिफ्थ में कैलकुलेशन, सिक्स में उसी तरीके से कंक्लूजन,
आइए इसकी भी एग्जाम्पल करते हैं. अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म एक्स शॉट 12 डिफेक्टिव बल्ब्स वाइल अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर फर्म दैट इज वाई शॉट 4 डिफेक्टिव बल्ब्स. इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ टू फर्म्स. अब यहां हमारे पर रैंडम सैंपल कितने का लिया गया है, 150 का. हम इसको कह लेते हैं कि फर्स्ट पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया, दैट इज N1. और इसमें कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं, हम इसको X1 से डिनोट कर देते हैं. ये इसी तरीके से N2 का सैंपल लिया गया दूसरी पॉपुलेशन से, इसमें कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, दैट इज 4. तो इसको X2 कह देते हैं. पहले स्टेप में हम हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे. हम कहते हैं कि दोनों प्रोपोर्शंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ टू फर्म्स एक्स एंड वाई. और H1 में हम कहते हैं कि इनका जो प्रोपोर्शन आपस में इक्वल नहीं है, इस मीन ये हमारे हाइपोथेसिस बन गए. सेकंड में हम अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज 0.05. थर्ड में जेड स्टेटिस्टिक्स डिफाइन कर लेते हैं, विच इज P1 hat माइनस P2 hat डिवाइडेड बाय PC कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन QC 1/N1 प्लस 1/N2. फॉर अ लार्ज एन जेड इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो P1 hat हमारे पास क्या आ जाएगा, X1/N1 12/150, ये आ गया 0.08. P2 hat इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, N2 ये था 4/100, तो विच इज इक्वल टू 0.04. इसके अलावा हमें क्या वैल्यू चाहिए कैलकुलेशंस में, अब ये फोर्थ स्टेप कैलकुलेशंस तो हम कर रहे हैं, तो ये आ गया PC हमारे पास है N1 P1 अगर इधर ले गए तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 12. और ये N2 P2 इसको इधर ले गए तो ये X2 रह गया, तो ये आ गया 4. N1 हमारे पास 150, N2 हमारे पास 100. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.064. ये सारी वैल्यूज आ गई, इसमें सब्सिट्यूट की, P1 है 0.08, P2 आ गया 0.04. अच्छा PC हेड आ गया, तो QC हेड तो हम निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस PC हेड, तो 1 माइनस 0.064 किया तो ये आ गया 0.936. 0.064 इंटू 0.936 1/150, डेट इज N1, 1/100, डेट इज N2. ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई. फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं, जो कि टू टेल है, तो ये आ गया हमारे पास 1.96. अच्छा जी, 1.27 तो यहाँ कहीं फॉल कर रहा है इससे पहले, क्योंकि इससे आगे तो वैल्यू बढ़ती जाएंगी. इसका मतलब ये किस में फॉल कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, एज जेड विच इज इक्वल टू 1.27 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी विल नॉट रिजेक्ट H0. तो इसका मतलब है देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ टू फर्म्स एक्स एंड वाई.
आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अ मशीन पुट्स आउट 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स इन अ सैंपल ऑफ 500 आफ्टर मशीन इज रिपेयर्ड. जब मशीन रिपेयर्ड हो जाती है तो उसमें कितने डिफेक्टिव होते हैं? 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स इन द बैच ऑफ, और सैंपल कितना होता है? 100. हैज द मशीन बीन इम्प्रूव्ड? हमने टेस्ट करना है क्या मशीन ने इम्प्रूव किया है. तो हाइपोथेसिस क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इम्प्रूव वो अब हम स्टेट करते हैं नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. हमने प्रूफ स्टेट, हमने क्या टेस्ट करना है क्या मशीन इंप्रूव हुई है. मशीन कब इम्प्रूव होगी? अगर तो सेकंड जो मशीन है उसके जो डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं हमने टेस्ट करना हैज द मशीन बीन इम्प्रूव्ड. वो किस केस में इम्प्रूव्ड होगी कि जो सेकंड मशीन है उसका जो प्रोपोर्शन है आर्टिकल्स इम्परफेक्ट, उसका जो प्रपोर्शन है इम्परफेक्ट आर्टिकल्स का वो कम हो निस्बतन मशीन ए. यानी कि अगर प्रपोर्शन ऑफ पी टू हम के लेस देन है प्रपोर्शन ऑफ पी वन, तो हम कहेंगे मशीन हैज इम्प्रूव्ड. या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी वन ग्रेटर देन पी टू. इन दोनों केसेस का यही मतलब है कि प्रपोर्शन ऑफ पी टू जो है लेस देन प्रपोर्शन ऑफ पी वन. तो इसको लिखा जा सकता है पी वन ग्रेटर देन पी टू, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ पी टू अगर लेस देन हो पी वन, तो हम कहेंगे कि मशीन हैज इम्प्रूव्ड. मशीन टू जो है वो मशीन टू जो है मशीन टू का जो इम्परफेक्ट आर्टिकल्स का प्रपोर्शन है वो कम है निस्बतन मशीन वन के प्रपोर्शन से. और इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? विच इज ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू पी टू. इसका है मशीन, हम कह सकते हैं मशीन हैज नॉट इम्प्रूव्ड. यानी कि अगर प्रपोर्शन जो है इम्परफेक्ट, अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर ली, दैट इज 0.05, जेड स्टेटिस्टिक्स, पी वन हेट माइनस पी टू हेट, पी सी क्यू सी 1/n1 प्लस 1/n2
अंडर एच नोड वेयर जेड इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। फोर्थ में कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि पी वन हेड हमारे पास क्या है, 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल आउट ऑफ 500 थे, तो इसका प्रोपोर्शन आ गया 0.032। इसी तरीके से पी टू हमारे पास क्या आ गया, 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल आउट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 0.03। पी सी हमारे पास है एन वन हैट पी वन हैट प्लस एन टू पी टू हैट, ये आ गया एन वन प्लस एन टू, तो एन वन पी वन हैट, ये एन वन है हमारे पास, ये उधर गया तो ये 16 के इक्वल आ गया, तो ये 16 रह गया। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं एज इट इज जो फॉर्मूला है, चले लास्ट जो एग्जाम्पल थी हमने इस तरीके से की थी, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि एन वन हमारे पास कितना है 500, पी वन क्या है हमारे पास 0.032 प्लस एन टू क्या है 100 और पी टू हेड क्या है 0.03। एन वन 500 प्लस 100, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 19 डिवाइडेड बाय 600। और इसी तरीके से क्यू सी 1 माइनस पी हैट करके हम निकाल लेंगे विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस 19 600 विच इज 581 600। इसको z में सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, पी वन हैट 0.032 माइनस पी टू हैट 0.03, पी सी हैट 19 बाय 600, क्यू सी हैट 581 डिवाइडेड बाय 600, 1 ओवर एन वन विच इज 500 एंड एन टू क्या है 100। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 0.002 0.019 0.105, ये z की वैल्यू आ गई। अब फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन टू टेल्ड है, 5% पे है, तो ये 1.96 होगा। उसी तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये आ गया हमारे पास -1.96 प्लस में 1.96, ये क्रिटिकल रीजन है, ये भी हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, जबकि जो z की वैल्यू है 0.10 वो यहाँ कहीं एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, क्योंकि इससे आगे हमारे पास वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कंक्लूड क्या हो गया, एज z विच इज इक्वल टू 0.105 डस नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी नॉट रिजेक्ट एच नॉट। जब एच नॉट रिजेक्ट नहीं होता तो इसका क्या मतलब है, मशीन हैज नॉट इंप्रूव्ड, विच इंप्लाइज मशीन हैज नॉट इंप्रूव्ड।